एक बार फिर क्लब में देर रात मारपीट की घटना। देर रात नशे के कारण वी क्लब में हुई मारपीट। धारदार हथियार से युवक के सर पर वार। मारपीट के बाद इमरान लटेरी नामक युवक ने कार से कुचलने की भी की कोशिश। शनिवार देर रात की बताई जा रही है घटना। घटना में अली अशोक और अमित नाम के युवकों को आई गंभीर चोट। अली नाम के युवक के सर में आए 22 टांके। अमित नामक युवक कोमा में है। अशोक को मामूली चोट आई है। आरोपी इमरान लटेरी ने अपने साथी शाहरुख और जैद के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। फरियादी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई से साफ कर रही है इनकार, अभी तक नहीं हुई FIR। देर रात क्लबों के संचालन में बढ़ रही राजधानी में वारदात। चूना भट्टी स्थित वी क्लब का मामला, पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई FIR। नाम बता दो अपना। जी मेरा नाम अली मुर्तजा है। क्या मैं वाला उत्तर प्रदेश से हूँ, फतेहपुर जिला से। मैं रहता भोपाल नवीन नगर में हूँ। एक्चुअली हम 24 तारीख को बी क्लब गए थे, मेरे दोस्त लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। तो हम बी क्लब गए सब, तो समथिंग हम वहाँ 12 बजे पहुँचे थे। तो 12 बजे हम वहाँ थे, समथिंग डेढ़ या एक के बीच में वहाँ नीचे बी क्लब के बाहर झगड़ा हो रहा था। तो वहाँ छुरी चाकू चली, तो ऊपर क्राउड में पता चला कि छुरी चाकू चल रहे थे। हम लोग बाहर निकले, हम लोग नीचे आए। वहाँ इमरान लटेरी, जो भोपाल का काफ़ी अपराधी है, और शाहरुख और उसके समथिंग 4-5 अन्य लोग और थे जिनके पास पिस्टलें थी, तलवारें थी। तो उसने मुझे देखा तो मुझे उसने गाली बकते अपने पास बुलाया, तो मुझे उसने 2-3 तमाचे मारे और मेरे गले में सोने की चैन थी, उसने चैन छीनी। तो तलवार दिखाने लगे, तो हमारे पास R15 गाड़ी थी जिसमें मैं, मेरा दोस्त अशोक और अमित। अशोक गाड़ी चला रहा था, अमित बीच में बैठा था, मैं पीछे बैठा था। तो सर हम लोग वहाँ से निकलने लगे। उनके पास व्हाइट कलर की XUV कार थी और एक ब्लैक कलर की वरना थी। तो इन लोगों ने हमारी गाड़ी के पीछा करने लगे। जब हमारी गाड़ी की स्पीड बनी और उसकी गाड़ी की स्पीड बनी, तो उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दिया। हम लोग गिर गए, मेरे चोट यहाँ आई और यहाँ आई। तो ये गाड़ी अपने समझे कुछ दूर खड़ी करके ये कार से उतरा, तलवार निकाल के पहले मेरे सर में तलवार मारी। और जो मेरा दोस्त अमित था वो होश में था, तो अपने कमर से पिस्टल निकाल के उसके सर पे मारा। यहाँ 2-3 बार मारा, बेहोश हो गया। और सर मैं भी वहाँ बेहोश हो गया। अब वहाँ से हमें 1250 ले गया। 1250 से हमें रेफर हमीदिया हॉस्पिटल कर दिया गया। और जब हमीदिया रेफर किया गया तो हमारे जितने भी परिजन मिलने वाले आ रहे थे, तो जो इमरान लटेरी की टीम थी, हमारे जो मिलने वाले थे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। और हॉस्पिटल के अंदर मेरे मुंह में मुक्के मारे जा रहे थे। और इमरान लटेरी ने मेरी वीडियो बनाई है सर। और हमने पुलिस से बहुत सूचना दी, पुलिस से FIR करने के लिए, तो पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और हमारा एक भाई कोमा में था, जो डॉक्टर अमिदिया के डॉक्टर थे, उन्होंने बोल दिया ये कोमा में है। तो हम एम्स में 2 दिन पहले भर्ती कराए, अभी उसकी डेड हो गई है। अभी भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम कॉल कर करके थक गए, न कोई पुलिस आ रही है, न कोई TI आ रहा, कोई भी हमारी रिस्पॉन्स। कितने बजे की घटना? 24 तारीख की समथिंग 1 से 1.5 बजे की, मतलब 25 तारीख लग चुकी थी सर। क्या वजह है कि पुलिस अभी नहीं सुन रही अभी तक कार्रवाई? सर वजह ये है कि हो सकता है जो बड़ा अपराधी है वो पैसे भर दिया हो, या पावर या जैक, क्योंकि मेरा लेटर ही कह रहा था मेरा बाप विधायक है तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जब हमीदिया हॉस्पिटल से मेरे दोस्त को कार में भर लेके गए, दो पुलिस वाले साथ में थे, जो जबरदस्ती से मार कूट किया गया, पैसे छीने गए। कितने पैसे रखे थे? पैसे थाने पे 8,000 रुपए लिए गए, जो ऑनलाइन 1500 किया गया। कौन लिया है? इमरान लेटे। क्या कह के लिया है? बोले कि सर को देना है पैसा, दो जब जाने देंगे। हम बोले कि दो भाई हमारे बहुत सीरियस है, मुझे जाने दो, मुझे भी इलाज करवाना, बाद में जो बयान लेना हो लेना। मुझे जबरन झूठा बयान दिए कि ऐसे ऐसे बोल रहे, तुझे यही बंद कर देंगे। हम डर के मारे सब उल्टा बयान, जो कहला रहा है तो वो पैसा, हमने पैसा दे के निकला है। क्या चाहते हो सर? फैसला चाहते हैं, हमारा भाई खत्म हो गए। क्या नाम था भाई का? अमित कुमार।